सर मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है, बाकी नहीं मैं कह सकता। मैनू तुहानू सुणिया नूं थोड़े चिर ही होए सीगे, ते एक क्वेश्चन तो मेरा क्लीयर हो गया कि गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़न दे लई जरूरी नहीं है कि आपां कोल टाइम लिमिट है। पहला मैं सोचता सीगा कि इन्ने टाइम बैठना ही है, ते मैं वैसे पढ़िया नहीं है, मैनू सुनने विच सीगा। ते दूसरा सर एक क्वेश्चन है मेरा कि एज ए टीचर जिवें दसदा मेरे लिए है तुहानू क्वेश्चन, सिर्फ तुसीं मैनू दसणा जां कोई समझदा होवे मैं उहदे लई नहीं कह सकदा। कि एक टीचर जिवें कहिंदा कि स्टूडेंट नूं कि तू इस तरह चलेगा, तू इस रस्ते ते पहुंच जाएगा जल्दी। मेरा है कि सर गुरु बाणी प्रति आस्था जां उहदे राह ते चलण लई उहदे प्रति चलण लई जरूरी है कि सानू अपना बाणा चेंज करना पवेगा। बड़े विचार सुने कईआं ने, कोई किसे तरह ढंग नाल कहना, किसे ने किसे ढंग नाल कहना, ते मेरे मन नहीं बजदा सीगा कि मैं सुनदा ही नहीं सीगा कि मेरा अपना मन नहीं यार इस तरह नहीं हुंदा यार इस तरह हुंदा, किसी ने कुछ कहना नहीं, उन्हें इस तरह किया इस तरह नहीं है। एक ही जगह पर आण के मन टिकिया, तो ये वैसे भरम नहीं, मेरा विचार है कि मेरा मन टिकिया। मैं सिर्फ तुहानू सुनिया कि वाकई गल सही है कि जीवन हाउ टू लिव, कि सानू जीवना जीवना किवें, बाणी दे विच ही दस्सिया गया कि असी जीविए किवें। तो मेरे मन दे विच क्वेश्चन सीगा कि जे मैं बाणी पढ़ा उस मुताबिक चलन लई की मैनू यह चेंज करना पएगा। जे यस दूसरे नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं कि ये यस ते हाँ जी, ये नो ते नो। इस तरीके नाल आंसर नहीं दिता जा सकता। हाँ जी, किस चीज़ वास्ते यस ते किस चीज़ वास्ते नो? मेरे गुरु जी मैनू कहंदे है कि बेटा तू ए क्लास करनी है ते जे स्पीड नाल चले चंगे नंबर लेने हैं ते तेनू इस तरह चलना ही पैना, जिवें एज ए टीचर मानदा सर नू, ते कहंदे है कि हाँ बेटा कि तेनू ए करना पैना, ते मैं करूँगा। मैं इस करके मैं अपने लिए बोलिया कि मेरे लिए ही सिर्फ क्वेश्चन है, तो मेरे लिए सिर्फ आंसर हो कि कोई एक किंतु परंतु ना करे कि हाँ तू वाल कट्टे हैगी है, तू दाढ़ी मुन्नी हैगी है, तो बाकी भी उन्होंने सारा आंसर देंगे कि नहीं तू कर सकता मैं जो नहीं कर सकता वो बाकी किंतु परंतु कर। सर क्वेश्चन क्लीयर होया? वैसे क्वेश्चन क्लीयर करन तो पहला तुसी मैनू दसो, एक मिनट कोई गल, क्वेश्चन क्लीयर होया है नहीं होया? तुसी अपना नाम बोलो। बलजीत। हाँ बलजीत जी, तुसी इत्थे सब नूं मनाण आए हो कि भी मैं जिद्दां मर्जी करदा मैनूं कोई कुछ ना कहे? नहीं सर, मैं समझे नहीं तुसी कि नहीं, पहला इहदा जवाब दे दिओ। हाँ जी सर, मैं तुहाडे क्वेश्चन ना पूरा समझ गया। ठीक है सर, मेरा सवाल है तुहानूं। हाँ जी, तुसी इहनां सब नूं सुनिया देण आए हो? नहीं सर। फिर इहनां नूं छोड़। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हुण जे बाणी पढ़न तो बाद, बाणी समझन तो बाद उस ते अमली जीवन नू जीण ते जे तुहाडा शेव करना छुट जाए, ठीक है, तां जो किसी ने तुहानू कहा सी उहदे च उहदे च की फर्क निकलिया? ना तुसी, मैं क्या छूट जाए? हाँ जी, तुसी तो नहीं रखे ना ए आईब्रो, तुसी रखे हुए ने? रखी हुई है, ऑटोमेटिकली है। बलजीत जी आंसर हो गया, तुसी उन विचार ना कर जाके, ठीक है ना? जिन्हां ने तुहानू तुसी करो जी सद के करो, पर बाणी पढ़न तो बाद जे तुहानू रजा पाणा नियम कुदरत दे सारे समझ आने शुरू हो गए और तुहाडा शेव करना छुट गया, रेजर ते रब जी ने नहीं ना बनाया है ना, जो छुट गया तां तुसी की कहोगे? मैं हुण रख लेने, या ये कहोगे हुण मैं कटने छड दित्ते ने? वो जिसने छड्डे ने ना, उस मन नूं जे सतगुर की मत समझ आ गई तां है ना। एक मिनट, बस बस मेरी बेनती है, जिन्ना छेती हो सकता पढ़ने शुरू। बहुत सारे सवाल तुहाडे लिखे आए ने, एक साड़ी भैन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लिख के दे गए ने। सब तो पहले मैनू, मेरा बेटा 8 साल का है और लड़की 3 साल की, मैनू कुड़ियां चंगियां लगदियां हन, बेटे नूं कंप्लेन रहिंदी है कि मैनू नहीं प्यार करदे या उहदे नाल अपना कुड़ी नाल बहुत अटैच हन, छोटियां छोटियां गल्लां सोचता है, दिमाग विच रखता है, सिर दर्द करता है,
मैं एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मदर सी रियलाइज़ होया चेंज हो रही हाँ बट अपने बच्चे दे दिमाग विचों गल्लां कढ नहीं पा रही आई कैन नॉट कंसीव एनी मोर ते चाहती हाँ कि एक बेटा जो परमात्मा ने दिता है उसनू वधिया परवरिश दें ही इज़ टॉपर इन एवरी फील्ड फिर भी कोई पिक्चर वेख के सारी रात डरिया रहा है कंप्लेन है चंगी शख्सियत किवें दें। जिस भैन ने क्वेश्चन किया है मुबारक है कि वो इस तरह विचारती है, ये भी बहुत अच्छी गल है कि वो मन अंदर बेटियां बारे प्यार है। भ्रूण हत्या वाली मावां या ससां या जिहड़े भी लोकी ने उन्हां दे अंदर ते बेटियां बारे बिल्कुल प्यार ही नहीं है। लेकिन जदों असी बेटी नूं प्यार करिए तां इह वी नहीं कहा गया कि बेटे नाल असी डिस्क्रिमिनेशन करिए। मैनूं नहीं पता कि ये भैन जी डिस्क्रिमिनेट करदे हन कि नहीं, लेकिन सवाल तो पता लग रहा है कि बच्चा डरिया होया है। इहदा मतलब ये भैन जी उसनू गुस्सा करदे सन जिहदे बारे उन्होंने सरेंडर किया कि मैं हुण अपने आप नूं सुधार रही हाँ। बच्चे का बचपन तो क्रोध करन उत्ते माता पिता वल्लों जिहड़ा क्रोध किया जाता है वो कई सैल्स डेड हो जाते हैं, उन्हें मैल फंक्शनिंग कहते हैं। मैल फंक्शनिंग हो जाती है वो सच और चंगा चंगा और दलेरी नाल और आज़ादी नाल इंडिपेंडेंट सैल्फ जिहड़ा एसटीम है ये सारा कुछ नहीं जी पाता। इन्हें भैन जी अगर सिर्फ इतनी बेनती है तुसी बच्चे नूं वध तो वध प्यार करो उहदी सैल्फ एसटीम वधाओ और उसनू कहो असी पिछे तेरे हाँ ते नाल हाँ तू चढ़दी कला च रह। उसनू सिर्फ प्यार किया जा सकता है, उसनू चंगी शख्सियत बनाना तो उहदा डर कढ़ना है ते उहनू प्यार दे दे के उहदे डर नूं आउट कर देना है तां इह जीवन उसका चंगी शख्सियत बन जाएगा। जिहड़ी पहलियां गलतियां कर दित्तियां गईयां उन्हां दा सलूशन प्यार है। गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा जिहा, मंदा किस नूं आखिए सब कुछ बसदा आप। एक पंक्ति है, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे चन की पैर रखिया करता है, इस नूं जाखो। हाँ जी, दुष्ट दूत मेरे मन दे ख्यालां नूं कहिंदे ने, जम बुद्धि नूं कहिंदे ने, ईवल थॉट्स नूं कहिंदे ने, डीमन्स थॉट नूं दुष्ट दूत कहिंदे ने। नस वंजो किल विखो करता आकार आया, दूते दहन पिया, दूते दुष्ट दूत मन दे ख्याल सड़ गए, जल गए। एक तां लंका दा दहन होया सी ना, मन दे ख्यालां दा दहन हो गया। दूते दैन पिया गोविंद प्रगटाया, जो जो मैं अपने मन के ख्यालों नू आउट करता हाँ, खत्म करता हाँ, चंगा सुभाव अपनाता, अवगुण छोड़ गुणा को ताबो वल वधदा हाँ, तां मैनू मेरे अंदर वाले रब जी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। मंदा किसे नू नहीं आख सकते, उस मनुख दा करम मंदा हो सकता है, मनुख पैड़ा नहीं होता, उहदा थॉट प्रोसैस दे कारण वह गलत एक्शन कर रहा है। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं, है ना। इंज मंदा कोई नहीं होता, ते दूत दुष्ट दुश्मन वैरी ये मंदे ख्यालों नूं कहिंदे ने। इस दा अपन जिहड़ी गल कीती है परमात्मा इस नूं मारे, जिहड़ा शब्द विच परमात्मा इस नूं मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर हाँ मेरे अंदर रब जी वसदे ने, उहनां दी मत लै लो ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂ, 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 4 ਸਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਸਵਾਸ ਵਾਸ ਕਰੋ, ਦੁੱਖ ਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਤਦ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਆਫਟਰ ਦੈਟਸ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਰੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।
फिर जी पूरा शब्द पढ़ना पड़ेगा ना, कितने कितों शुरू होता है, थिर थिर कर बैसो, थिर कर बैसो अर्जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे, काज किया, काज समझेंगे ना, दुष्ट स्थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सदगुरु तुमरे काज मारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करता रे, पैज पैज एक तो है बरादरी पैज रखी दा, लाजपत पैज रखी दा, एक है विकार जो मनु सतांदे ने ता मेरी लाजपत लुट्टी जाती है, उन्हों कहंदे ने द्रौपदी की पत लुट्टी गई, मंदे ख्यालां नू मंदे ख्यालां तो मेरी पत ना लुट्टी जाए, जन की पैज रखी करता रे, है ना, ए जो मंदे ख्यालों तो पैज मेरी ना लुट्टी जाए, वो वाली जिहड़ी मत मिलती है और मंदे ख्यालों नाल कॉम्बैट करना आ जाता है, यह दुष्ट दूत परमेश्वर मारे कहलांदा, एक कारज रास कहलांदा। थैंक यू।